अरे ममता, तू चिंता मत कर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। लिख के ले ले मेरे से। हाय हाय, अब तो हद हो गई। सच्ची, ना सास देखती है ना जेठानी, बस लड़ पड़ती है। इतनी लंबी जुबान, इतनी बदतमीजी, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अब तो पलट कर इच्छा को मुंह तोड़ जवाब दे कर रहेंगे। अरे क्या बोली अम्मा, इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर देंगे। अरे नाना अम्मा, ऐसा मत कर, सास बहू पे हाथ उठाए अच्छा ना लगता, लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए तू अपने कान है ना दुरुस्त कर ले, वरना आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, ईमान से डस लूंगी। हंस लूंगी? अरे अम्मा, इतनी सीरियस बात चल रही है और तुझे हंसी आ रही है। हंस लूंगी नहीं, माँ जी कह रही है डस लूंगी। माँ जी, आजकल आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ईमान से डस लूंगी। डस लूंगी? मैंने ऐसे कहा? नहीं, प्रबल बेटे ने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा हंस लूंगी, ईमान से हंस लूंगी। डस लूंगी? अरे यो क्या चल रहा है अम्मा, पहले कहा हंस लूंगी, अब कह रही हो डस लूंगी। अरे एक बात तय कर लो, मेरा कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रही हो तुम? चुप कर, बात को कहां से कहां ले जा रहा है। और ममता, मैंने तुझसे कहा था ना, शब्दों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। अब चल, इच्छा को सबक सिखा दे। जी माँ जी, इसे मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं। चलो। अरे अमर को तो आज हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो वाकई में इच्छा का मुंह तोड़ने पर तुले हुए हैं। उसके बाद तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहेगी। तो कैसे रोको इन्हें? हाँ, बबल से बात करता हूँ। अरे नाना, अगर बबल को पता चल गया कि उसकी माँ और उसकी भाभी उसकी बीबी के साथ, अरे क्या सोचेगा वो इनके बारे में? अरे नाना, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या कुछ नहीं बोला मैं? अरे बहुत बोला मुझे, मैं बहुत ना मुझे कुछ बात नहीं। माँ जी, दीदी, क्या है, फिर से झगड़ने का मूड है? जा, आईने के सामने जाकर खड़ी हो जा और खुद से लड़ ले। देख, हमें बहुत काम है, प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, वैसे भी प्रतियोगिता आप ही जीतने वाली है। इस घर की सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी गृहिणी आप ही तो हैं। ओहो, अब समझी, तो जानबूझकर ममता के सामने मेरी तारीफ कर रही है। मेरे बारे में अच्छा बोलकर हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखो, तुम अपने इरादे में ना कभी कामयाब नहीं होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे भला बुरा बोल रही थी, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी। तूने गलती की, तुझे सजा मिलेगी। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, बस एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ किया। वो तो मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगी। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ, इच्छा को माफ कर देना चाहिए। ममता, तू इसके बिचारेपन पर मत जा। इसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। मुझे तो ये नागिन लगती है, नागिन। पलट कर कब दस लेगी कोई बोल नहीं सकता। माँ जी, अब आप बेवजह बातों को तूल दे रही है।
इच्छा ने माफी मांग ली है, हमें भी इसे माफ कर देना चाहिए। बात खत्म। आखिर हम प्रतिस्पर्धी है, दुश्मन नहीं। देख इच्छा, तेरा दिल कितना साफ है कितना नहीं तू जाने, लेकिन हमने तुझे दिल से माफ कर दिया। ऐसी गलती फिर से मत करना। कहीं ये सुरसुरी तो नहीं? माँ जी, अब आप भी इसे माफ कर दो ना। जा, माफ कर दिया तुझे। मैं भी बड़ा दिल रखती हूँ। नहीं नहीं, ये सुरसुरी नहीं हो सकती। सुरसुरी होती तो झगड़ा मिटने नहीं देती और भड़काती। माँ जी, इसका मतलब जो ममता दीदी के साथ थी वो सुरसुरी थी। रात हो गई के? हाँ? मुझे किसी ने बताया ना, बाहर भी अंधेरा ना है। बताना, आजकल बिना अंधेरे के रात होने लग गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कल बिना पानी के बारिश होने लग जाएगी। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? किसने कहा आपसे कि रात हुई है? अरे तू सो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे कमाल करते हो, मैं क्या सूरज हूँ क्या तो मेरे सोते ही रात हो जाएगी? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। अरे अभी लेटने सोने का वक्त ना है, मेरी बात ध्यान से सुन। तू बोली, अभी तेरी शादी हो गई है, हैं? तो पति की इज्जत पत्नी के साथ जुड़ी हो वे। वो जो कहती है, जो बोलती है, जो पहनती है, उसी से पति की पहचान बनती है। करे समझा? तो अब तुझे अगर अपनी पहचान और इज्जत बनाए रखनी है ना, तो अपनी पत्नी को कुछ बातें सिखा। हाँ, जैसे कि? जैसे वो बिना घूंघट ओढ़े घर में घूमती रहती है, अब बड़ों के सामने अच्छा थोड़ी ना लगता है। भैया, हमारे घर में घूंघट ओढ़ने का रिवाज नहीं है। रिवाज हो या ना हो, मैं उसका जेठ हूँ, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए भैया, इच्छा को घूंघट ओढ़ने की आदत नहीं है तो वो घूंघट नहीं ओढ़ेगी, सिंपल। तो मुझे पता था तेरा यही जवाब होगा, लेकिन मैंने इसका तोड़ भी सोच रखा है। क्या सबल? आ जा भाई, आ जा, आ जा। आ गया। देख, उसे घूंघट से प्रॉब्लम है ना, तो उसे ये घूंघट दे दे। या, हेलमेट? हाँ, अरे यही तो है मॉडर्न जमाने का मॉडर्न घूंघट। भाई आप तो हद ही हो गया, इच्छा घर में हेलमेट पहनकर घूमेगी? ऐसा लगेगा जैसे वो अंतरिक्ष में आ गई है। रखो अपने पास। अगर हेलमेट नहीं पहनेगी ना, तो चेहरे पर चांद तारे बन जाएंगे। छोटे, तू समझ ना रहा है, ये इच्छा की सेफ्टी के लिए। ममता और माँ इच्छा का मुंह तोड़ के खराब करने वाली है। भैया आई एम सॉरी, लेकिन इच्छा हेलमेट भी नहीं पहनेगी। बस छोटे, अपने बड़े भाई की इतनी सी बात तो मान ले। रोते नहीं है, रोते नहीं है, मैं हूं ना, मेरी बात मानेगा वो? रो मत, आप रो मत। बबल, देख तेरे को मेरी कसम है, मेरी बात मान ले। बोल। हाँ हाँ हाँ, मान रहे मान रहे मान रहे, मान गया मान गया मान गया। देखो देखो, मान गया मान गया। इच्छा को बोल ये हेलमेट पहन ले। अरे भैया, इसमें उसी की भलाई है। क्या? उसी की भलाई। अम्मा जी, हमें इतनी जल्दी जल्दी में बुला लिया, कुछ काम था। प्रतियोगिता का पहला पड़ाव खत्म हो चुका और उसमें तुम तीनों हार गए। इच्छा से खाना बिगड़ गया, ममता के धुले कपड़े गंदे थे और चंचल, मैंने मारा सूट इस्त्री के लिए दिया था तुझे और तूने मारा दुपट्टा जला दिया।
मारे 8,000 के सूट का नुकसान किया तूने। मैंने नहीं अम्मा जी, इच्छा ने जलाया था, पूछो उससे। क्या ये सच बोल रही है? अरे प्रतियोगिता प्रतियोगिता की तरह खेली जाती है, जंग की तरह नहीं। और हाँ, अब दूसरे पड़ाव में मैं तुम तीनों पर कड़ी नजर रखने वाली हूं। दूसरा पड़ाव हमारे लिए बहुत खास है। आपके लिए ऐसा क्या खास है इस पड़ाव में? इस पड़ाव में हमारे घर मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है दादी जी? अरे हमारी दूर की बहन है मिथिला। तीनों उसकी खातिरदारी करोगे और हाँ, अपनी आपसी अनबन मेहमान के सामने ना आए। अरे घर की इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेहमान आ रहे हैं, ऐसी खातिरदारी होगी कि इच्छा इस घर से बाहर। हाँ इच्छा, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। ईमान से दस। एक और परीक्षा, सुरसुरी अब तक घर वालों को हथियार बना रही थी और अब मेहमानों को हथियार बनाएगी। चल इच्छा, तैयार हो जा, तेरी अच्छी खासी कसरत होने वाली है। बबल जी, आप ये हेलमेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? घूमने वूमने जाने का इरादा है क्या? लेकिन बबल जी, अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास, घर में बहुत काम पड़ा है। और वो सारा काम तुम्हें ये हेलमेट पहनकर करना होगा। मतलब ये हेलमेट तुम्हारे लिए है, मेरे भाइयों ने दिया है। क्यों, किस लिए? इच्छा वो चाहते है कि तुम इस घर में घूंघट ओढ़कर रहो। बबल जी, तो क्या पागलपन है? जो है सो है, तुम्हें पहनना होगा। बबल जी, मैं ये हेलमेट पहनकर क्या करूंगी? मुझे तो बाइक भी चलाने नहीं आती। फिर भी पहन लो ना, प्लीज। अरे प्रबल भैया, सबल भैया मुझे अपनी कसम देकर गए हैं, उनका मान और मेरी इज्जत रखने के लिए पहन लो ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। मेरा तो सर चकरा गया है, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक खत्म होता है कि दूसरा हाजिर। प्रबल भैया और सबल भैया को ये हेलमेट पहनाने की कहां से सूझी? मैं सच कह रहा हूं पिताजी, अम्मा और ममता इच्छा का मुंह तोड़ने वाली हैं। हम चाहते हैं कि हाथापाई की नौबत ना आए, इसलिए आप एक बार अम्मा से बात। अरे एक बार क्या, 10 बार बात करूंगा। ये कोई तरीका है प्रतियोगिता खेलने का? ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों का। बचकानी हद करके तो पर उतर आई है, छोड़ूंगा नहीं इसको, आने दो आज। चंचल, यो सब क्या सुन रहा हूं? आप क्या सुन रहे हो, मुझे क्या पता? तू सब जाने है, मारे सामने भोली मत बन। तू जो करने जा रही है ना, जो ठीक ना है। आए हाय, मैं क्या करने जा रही हूँ? अपनी छोटी बहू पर अत्याचार। अचार? अरे अचार कहां से आ गया? वो बात तो कल ही टल गई थी, अभी तो अत्याचार की बात हो रही है। अरे भाई, तू मुझ पर अत्याचार करना बंद करेगा तो मैं आगे बोलूंगा। अरे कोई मुझे बताएगा अभी किस अत्याचार की बात हो रही है? अरे अम्मा, मेरे सामने तो कहा था कि इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर दूंगी। इच्छा की तो छोड़, और मैं तेरा मुंह जरूर तोड़ दूंगी। खबरदार जो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो। घटिया? अरे घटिया कहां से बीच में आ गई? ओ अम्मा को नींद आ रही है, कोई बात ना, हम लेट के बात कर लेते हैं।
अच्छा हुआ तो आ गया वाकू। देख आज घर में मेहमान आने वाले, सुरसुरी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। मारू अच्छा शांत हो जाओ, तुम हमेशा ठंडे फन से सोचती थी, आज क्या हो गया? देखो सुरसुरी अगर कुछ भी गड़बड़ करने जाएगी तो हमारे सामने अपने आप आएगी और तभी हम उसे दबोच लेंगे। इसे चुनौती की तरह नहीं, मौके की तरह देखो। तू सही कह रहे बाबू, अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। इच्छा जी दीदी, प्रतियोगिता अपनी जगह है लेकिन इस घर की आन, इसका सम्मान किसी भी प्रतियोगिता से बड़ा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारी आपसी अनबन का असर मेहमान की खातिरदारी पर ना पड़े। मैं अभी पकौड़े और मटरी बनाने जा रही हूँ। हमने तेरा खाना बिगाड़ा था लेकिन अब तू मेरा खाना बिगाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? जी दीदी। दीदी, ओ दीदी, रे मिथिला आ गई। कैसी है? थारा आशीर्वाद है दीदी। रुक जा, बस मारी बहन को गिराओगे के? नमस्ते मौसी जी। दादी मौसी। और बताइए मौसी जी, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ही था, रास्ते में रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा थे। क्या बात करिए मौसी, बुड्ढे ज्यादा थे? अब पर एक बात बता मौसी, तू बुड्ढों को क्यों देख रही थी है? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, इस उम्र में मौसी बुड्ढों को नहीं तो क्या जवानों को देख रही है? अरे कम से कम मेहमान के सामने तो शर्मिंदा ना करो। अरे बुड्ढों की नहीं मौसी, गड्ढों की बात कर रही है। इच्छा हमारी बहन आ गई, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। इच्छा पकौड़े तैयारी हैं, बस कढ़ाई से निकाल रही हूँ, तब तक तू जाकर गोदाम से नए थाल ले आ। जी दीदी। ये तो पक्का सुरसुरी होगी। अब तुम नहीं बचोगी सुरसुरी, ये फंदा कोई साधारण फंदा नहीं है। ये जब किसी इच्छाधारी नागिन के गले में पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ ही जाती है। अब तुम चाहे ममता दीदी बनो या चाहे कुछ और, ये फंदा तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले ही आएगा और अगले कुछ ही पलों में तुम मेरे गिरफ्त में होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.